Namaskar. Hello. I'm sure some of you are here. बाकी लोग बाद में आएंगे. 7 बजे है, हम शुरुआत करते हैं. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति कानिटकर. मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 25 सालों से लगभग इस एरिया में प्लेयर्स के साथ काम कर रही हूँ. उसके पहले पीएचडी में 5-6 साल, तो इसी विषय का अभ्यास मैं लगभग 30 साल से कर रही हूँ, ऐसा हम कह सकते हैं. आज तक, शुरू से आज तक अगर देखा तो मैंने कई प्लेयर्स के साथ, कई अलग अलग उम्र के, बहुत छोटे थे जो चौथी में थे, पांचवी भी थे, जूनियर में खेल रहे थे, उन प्लेयर्स के साथ भी काम किया है और काफ़ी सीनियर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे प्लेयर के साथ भी काम करती हूँ. और बात यह है कि कोई एक गेम नहीं, ग्रुप गेम में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. मैं खुद क्रिकेट खेलती थी. टीम गेम, इंडिविजुअल गेम, स्विमिंग, एथलेटिक्स, इस तरह के सभी खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर्स के साथ मैं काम करती हूँ. मैंने काम किया है, 15 साल तक दिल्ली में काम किया है और आजकल मैं थोड़ा पुणे में और कभी दिल्ली में, ऐसे दोनों जगह पे ये काम मेरा चल रहा है. मुझे विश्वास है अभी लॉकडाउन के टाइम में आप सब लोग सही हो, आप सब लोग ठीक हो, यू आर हेल्दी एंड यू आर हैप्पी एंड आई एम श्योर यू आर फॉलोइंग योर गेम एंड अदर गेम्स ऑल्सो. जो पुराने वाले होंगे वो शायद आप देखते होंगे. तो आज हम बात करेंगे कई चीज़ों पर, तो चलो शुरुआत करते हैं. आज का ये वेबिनार जो है वो बहुत स्पेशल है. पूरी दुनिया, आपको पता है कि बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रही है. हम सब पर एक विचित्र बीमारी का बुरा परिणाम हो रहा है. सभी की सब दुनिया अपने घरों में बैठी है. जैसे मैं भी आज घर में बैठ के बात कर रही हूँ, वैसे आप ही आपके घर में बैठ के मेरे से बात कर रहे हो. जो घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, आईटी जैसे लोग, उनकी बात अलग है, उनका काम तो और बड़ा है. लेकिन जिनका काम ही बाहर जाके करना का था, उनको बड़ी मुश्किल आ रही है और उसमें मैं और आप भी शामिल हैं. ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर खिलाड़ी को कोई बाहर ना जाने को बोले, अगर हमें खेलने को ही ना मिले, तो ज़िंदगी में मज़ा ही क्या है. तो मुझे ऐसे काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं कि हम घर में बैठ के क्या करें, हमारे परफॉर्मेंस पर इसका बुरा असर हुआ तो हम क्या कर सकते हैं. इस टाइप के काफ़ी प्रॉब्लम्स के प्रश्न मुझे आते रहते हैं, इसी के बारे में भी हम बात करेंगे. इसलिए नाम क्या रखा है मैंने आज के सेमिनार का, आज का नाम है प्रैक्टिस व्हेन यू आर रेस्टिंग. जब आप घर में बैठे हो, जब आप कंपलसरी रेस्ट पे हो, उसी टाइम भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सच्ची बात है. और वह कैसे किया जाए ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ. ये छुट्टी जो हमें मिली है वो कंपलसरी तो है, लेकिन इसी छुट्टी का उपयोग हम किस अच्छे काम के लिए, हमारा परफॉर्मेंस खुद का इम्प्रूव करने के लिए, और स्पोर्ट्स अपने खुद के खेल के बारे में, दूसरे के खेल के बारे में, स्पोर्ट्स के अलग अलग साइंसेस है उनके बारे में, जैसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इसके लिए हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं. तो ये रेस्ट जो हमें मिली है उसका उपयोग हम कैसे करें, इसकी बात मैं अब करने वाली हूँ. पहला प्रश्न तो यह है कि रेस्ट इसेंशियल होती है और कितनी रेस्ट इसेंशियल है. आजकल सभी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो बताते हैं कि आपने भी ये बात सुनी होगी कि प्लेयर्स के लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. और इस रेस्ट के टाइम में शरीर और मन दोनों को बहुत आराम मिलता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है. जैसे कि हफ्ते में 3 बार खेलो, फिर एक दिन आधी छुट्टी ले लो, ये भी हो सकता है, या पूरा 6 दिन खेल लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिजिकल करो, जो भी आपको है, योगा करो, ये सब करके एक दिन ऐसा रखो जब हमें पूरी छुट्टी मिलेगी.
तो आप कुछ तो करते ही होंगे इस टाइप से। 7 दिन खेलना, 7 दिन बहुत मेहनत करना, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। जैसे अब फ्रांस में देखो, लोग कह रहे हैं हमें 4 दिन ही काम करना है और 3 दिन छुट्टी चाहिए। तो प्लेयर्स तो ऐसे नहीं कर सकते, और उसकी बहुत सारी वजह है कि बाकी लोगों को आराम मिलता है लेकिन प्लेयर्स को आजकल के ज़माने में इतना आराम नहीं मिल सकता। आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत बड़ी है, और नेशनल हो या इंटरनेशनल हो या इवन स्कूल की लेवल पे हो, इतने कॉम्पिटिशन्स खेले जाते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को आराम बिल्कुल नहीं मिलता। प्रैक्टिस करो, ट्रैवल करो, कॉम्पिटिशन में जाओ, कॉम्पिटिशन में वापस आओ, फिर आने के बाद फिर अगले ट्रैवल का तैयारी करो, इसके लिए फिटनेस करो, इसके लिए प्रैक्टिस करो, टूर्नामेंट की तैयारी करो, आगे वाले टूर्नामेंट में कौन कौन आने वाला है उसके बारे में सोचो। तो ये सब जो हो रहा है वो आप लोगों को बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, और अब आज ऐसे समझो कि उसी स्ट्रेस के बाहर निकलने के लिए शायद आपको ये कंपलसरी आराम, कंपलसरी छुट्टी मिल गई है। सबसे एक बात इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहती है कि कहीं भी जाओ, कौन से भी टूर्नामेंट जाओ, उसमें क्या करने का लक्ष्य है हमारा, हम उसे जीतने के लिए जाते हैं। हम ऐसे नहीं सोचते कि कभी हम हार भी जाएंगे, और हार गए तो हम उदास होके वापस आते हैं। तो ये कैसे नहीं करना चाहिए। और आपको जीतना तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक टूर्नामेंट हम जीते। हमारा काम क्या है, जो हमारा पहले वाला परफॉर्मेंस था उससे इस परफॉर्मेंस में थोड़ा अच्छा करके देखूं, ये हमें लोगों को दिखाना है। इस फास्ट स्पीड्स की ज़िंदगी में आज अचानक से ये हॉल्ट आया है, इसने सभी प्लेयर्स को रोका है और अपने घर में बिठा दिया है। सभी खेलों की सभी स्पर्धाएं कैंसिल हो चुकी है, तो इसलिए अब हम क्या करें। मैं समझती हूँ अब यही शायद प्लेयर्स की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चांस है कि वो कुछ अलग करें, कुछ अपने खुद के बारे में सोचे और खुद के खेल के बारे में सोचे और कुछ अलग सीखे। तो अब कैसे करेंगे ये हम अब सुनेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, कुछ आइडियाज़ देना चाहती हूँ जो आप ज़रूर करके देखें, जिससे ये 2-3 महीने जो हमें मिले हैं, जो कंपलसरी छुट्टी के हैं, उसमें भी आपको मदद होगी। उसमें जो आप कई बार कुछ निगेटिव थॉट्स लेते होंगे, कई बार सोचते होंगे कि जैसे आज किसी ने मुझे एक प्रश्न भेजा है कि अगर मैं इतनी छुट्टी ले लूं और मैं अभी मेरे पीक में हूं, अभी अगर मैं ओलंपिक चला जाता तो मुझे ज़रूर मेडल मिलता, लेकिन अब 21 साल की ओलंपिक भी होगी या नहीं ये किसी को पता नहीं है। तो हम सोच के कि आए जाएंगे कि ओलंपिक हो ना हो, सितंबर से शायद टूर्नामेंट्स भी शुरू होगी और हम टूर्नामेंट में जाना शुरू कर देंगे। आज आप जो मेरी बात सुनेंगे, आज जो पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी, अगर वो आप आपकी प्रैक्टिस में इंक्लूड करें तो आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है, ना कि सिर्फ ये 2 महीने के लिए, लेकिन ये जो आप सोचेंगे, ये जो आज मैं बता रही हूँ, ये काम छुट्टी के लिए भी करना है और ये काम जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए भी है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के कोई टेक्निक्स जो होते हैं, जिसे हम टेक्निक कहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के, तो आप में से कई लोगों ने पहले कुछ सीखा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको फिर से, और जिन्होंने नहीं सीखा है उनको नए से मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। तो अब सुनेंगे आप, मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहती हूँ, कुछ आइडिया देना चाहती हूँ, कुछ आइडिया देना चाहती हूँ कि जिससे आपके शरीर को मैं थोड़ा, कोई प्रश्न आया है, मैं थोड़ी देर में आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहती हूँ। मैं आपके प्रश्न पढ़ रही हूँ लेकिन जो मेरे फ्लो में, मैं उसके उत्तर नहीं देना चाहती। जो प्रश्न मेरे
सामने आ रहे हैं, मैं थोड़ा आपको थोड़ी बात बताऊँ, शायद आपके प्रश्नों के उत्तर वहीं से आपको मिल जाएंगे, नहीं मिले तो मैं आपको ज़रूर उत्तर दे दूँगी इसके। अब बात यह है कि रेस्ट करके देखें, जिससे 2-3 महीने का रेस्ट पीरियड में शरीर और मन को भी रेस्ट मिले और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपका परफॉर्मेंस भी होने के लिए इसकी मदद मिल सकती है। पहली बात, बहुत ज़्यादा बातें बताऊंगी नहीं, क्योंकि हम लोगों का, प्लेयर्स का, आपका भी और मेरा भी इतना ध्यान में रखना और इतना एक ही बात में बताना ये बहुत अच्छा नहीं होगा। आपके पास अगर कोई कागज़ है और पेन है तो आप ज़रूर आपके पास रखो, क्योंकि मैं जो पॉइंट बताऊंगी वो आप अगर लिख लोगे तो आपके लिए बाद में उसको रिफ़र करके आप वो काम कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट रेस्ट पीरियड इज़ अ पॉजिटिव चांस। आप ऐसे मत कहो कि रेस्ट पीरियड यानी कि गया काम, अब मेरा परफॉर्मेंस गलत होगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं इतने सेकंड्स दे रही हूँ, इतने मिनट दे रहा हूँ, स्विमिंग में मेरा ऐसा हो रहा है, मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, अब मैं प्रैक्टिस नहीं जा पा रही, तो ये करके क्या मेरा परफॉर्मेंस डाउन होगा? तो नहीं, ऐसे नहीं होता। और एक बात समझ लो कि अगर आपका परफॉर्मेंस डाउन होने वाला है तो दुनिया में सबका परफॉर्मेंस ही डाउन होने वाला है, सिर्फ आपका नहीं। तो ये आपने मन में पक्की बात रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये वक्त मुझे मिला है, ये जो वक्त मुझे 2-3 महीने का मिला है, ये मैं पॉजिटिवली ले लूं और उसमें उसका मैं अच्छी तरह से यूज़ कर लूं। तो ये अच्छी तरह से आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। लॉकडाउन अब लगभग 1.5 महीने का हो चुका है, लगभग 1.5 महीने का है, और आपका भी रूटीन कोई बन गया होगा कि जैसे कि आप इतने बजे उठो, शायद देर से उठते होंगे, आपके एक्सरसाइज जो घर में करेंगे वो आप घर में करते होंगे, और ये सब एक्सरसाइजेस और खाना पीना आपका, लोगों से बात करना, शायद टीवी देखना, कंप्यूटर देखना, ये सब चीज़ मिलके आप सोचते होंगे कि मैं इसके और क्या कर सकूं, और इसी में आप थोड़ी चिंता भी करते होंगे। तो अब आप इसके साथ फिज़िकल जो कर रहे हैं, इसके साथ आप मेंटल का भी सोचना शुरू कर दीजिए। अब वक्त आया है कि खुद के खेल के बारे में और ये मेरा खेल कैसे इम्प्रूव होगा इसके बारे में आप सोचना शुरू कर दो। ये जो चीज़ें मैं अब आपको बताऊंगी वो अकेले में भी करना है और कोच के साथ भी करना है, ना कि सिर्फ आप अकेले और कोच, लेकिन आप आपके बाकी दोस्तों के साथ भी ये चीज़ें करेंगे। अब खुद अपने आप आपने क्या चीज़ें करनी है ये बात सुनिए। एक तो फिज़िकल आप ट्रेनिंग करेंगे, व्यायाम के साथ साथ मेंटल रिलैक्सेशन करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको रेस्ट भी मिलता है और अगर रात को आप ये करो तो आपकी नींद अच्छे से पूरी हो जाती है। अब ये रिलैक्सेशन के लिए आपको, आप सोचेंगे हमें किसी ने सिखाया नहीं है रिलैक्सेशन, लेकिन अगर आप YouTube पे जाओ तो आपको रिलैक्सेशन के कई टाइप्स मिलेंगे, बहुत लोगों के उस पर वीडियोस है, और अभी स्पोर्ट्स बीट्स जो आप जिसकी जिस साइट पर है उस पर मैं भी कुछ रिलैक्सेशन के बारे में CD कुछ मेरा भी वीडियो उस पर लगा दूंगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि रिलैक्सेशन कैसे करना चाहिए, ना कि सिर्फ अभी के टाइम में, बाकी जब रेगुलर ट्रेनिंग और कंपटीशन के वक्त भी इट इज़ अ मस्ट। दिमाग ठंडा हो तो परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है। स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने का ये सबसे अच्छा उपाय है, जो कि दुनिया भर के सभी प्लेयर्स करते हैं, और अगर दुनिया भर के सभी प्लेयर्स करते हैं, आप मान लो कि टेनिस प्लेयर्स रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग
आप अगर उनको मैच के बाद भी देख लो तो भी वो बैठ के जो करते हैं उसमें रिलैक्सेशन का भाग बहुत बड़ा है। अब रिलैक्सेशन के बाद आप क्या करोगे, अब वक्त है अपने खुद के खेल के बारे में ऑब्जेक्टिव सोचने का। जब आप घर में बैठे हो तो ना सिर्फ अपना टीवी देखो या कंप्यूटर पे काम करो या बातें करो, लेकिन हाथ में डायरी लेके पेन लेके सोचने के लिए बैठ जाओ कि मेरा गेम सचमुच कैसा है, मेरे गेम में क्या प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकती हूँ, और क्या किया जाए। तो ये सब जो बातें हैं कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें मेरे गेम में इम्प्रूव होनी चाहिए, कौन कौन से चेंजेस मेरे गेम में मुझे करने हैं जब मैं फिर से खेलने के लिए चली जाऊंगी, तो इसके बारे में एक एक पॉइंट करके आपको लिखना बहुत आवश्यक है, ऐसे मुझे लगता है। जब आप ये सब लिखोगे तो एक दो बार फिर से पढ़ना, फिर से सोचना। हर रोज़ शायद एक ही पॉइंट मिलेगा, दूसरे दिन दूसरा पॉइंट मिलेगा, लेकिन आप ये लिख के रखो और आपके कोच के साथ आप हमेशा कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। मैं कोचेस अगर यहाँ पे कोई है तो उनको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने प्लेयर्स को सिर्फ हाँ ये करो, ये 10 बार करो, ये 25 बार करो, ये 30 बार करो, ऐसे गाइड मत कीजिए। उनके साथ बातें करो, उनके प्रॉब्लम्स क्या है वो समझ लो, और उनको अपने खुद के गेम के बारे में क्या करना है ये भी आप समझ लो। मुझे लगता है आप ये समझ पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कोचेस से और आपके आपसे भी। कोचेस का और प्लेयर्स का एक दूसरे के साथ लगाव होना, कोचेस का और प्लेयर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन होना, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। और मुझे विश्वास है आपके कोच आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे कि आपने अगर 5 पॉइंट लिख के दिए हैं कि मेरे गेम में मुझे ये चीज़ें, ये पॉइंट्स थोड़े प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, तो आप कोच के साथ डिस्कस करके इस पॉइंट पर चर्चा ज़रूर करना। अब तीसरी बात मैं इसमें बताने वाली हूँ कि प्लेयर्स को तो हमें ग्राउंड पर जाके बाकी प्लेयर्स के साथ बातें करने की, गपशप करने की, उनके साथ खेलने की बहुत आदत होती है। अब ये जो आदत है वो आप छोड़ने की क्या ज़रूरत है, आप अपने अपने प्लेयर्स का 4-5-6 लोगों का एक ग्रुप बनाना, ये तुरंत करना है, आज ही आप कर सकते हो, और उनके साथ दुनिया भर की बातें तो करनी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या करना है कि हर एक ने अपने खेल के बारे में एक दूसरे के साथ बोलना है। जैसे कि मैं खेलने लगूँ तो मुझसे भी सामने वाला जो मेरे हैं, मेरी दोस्त जो मेरे सामने हैं, उसको ज़्यादा पता है कि सचमुच मेरे गेम में क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही आपके बारे में होगा, जब आप खेलते हो तो आपको जो देखते हैं, जो समझते हैं आपका गेम, उनको ज़्यादा पता है कि प्रॉब्लम क्या है इसके गेम में। तो आप 4-5 लोगों का ग्रुप करो और हमेशा हर अल्टरनेट डे आप एक दूसरे के साथ बातें करते रहना। अगर ऐसे ग्रुप में आप मिक्सिंग करोगे, बातें करोगे, तो आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि इससे आपका स्ट्रेस बहुत कम होता जाएगा। तो ये बात करना मत भूलिए कि कोच के साथ तो बात करनी है, पहले अपने प्रॉब्लम्स लिखने हैं, आपको क्या लगता है खुद के गेम के बारे में, और वो गेम मेरा कैसे इम्प्रूव हो। तो कोच के साथ बात करो और अपने प्लेयर का एक ग्रुप बना के उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना। अब मैं आखिरी बात बताना जा रही हूँ मैं आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद किसी ने आपको बता दिया होगा कि मेंटल रिहर्सल नाम की एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। प्लेयर्स ग्राउंड पर तो खेलते हैं, लेकिन प्लेयर्स अपने दिमाग में भी खेलते हैं, और जो अपने दिमाग से और दिमाग में खेलते हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं। अब इसमें आप देखते होंगे
बैडमिंटन के जैसे सिंधु है या श्रीकांत है या जैपनीज प्लेयर है जो सिंधु के साथ अच्छी मार देती है उसके साथ, या स्पेन की है मरीन, और टेनिस के प्लेयर्स है, तो ये सब प्लेयर्स इम्पोर्टेंट क्यों है? ये सब इतने आगे चले क्यों गए? तो ये सब लोग ऐसे हैं कि वो एक तो मेंटल स्किल्स का बहुत उपयोग करते हैं अच्छे से, और दूसरी बात ये है कि ये सभी लोग दिमाग से काम लेते हैं। खेलना यानी सिर्फ फिजिकल नहीं है, खेलना बहुत मेंटल है, और ये मेंटल चीज़ें, मेंटल स्किल्स और दिमाग से खेलना, इससे आप बहुत आगे चले जाओगे। क्रिकेट में आजकल देखो तो धोनी थे वो दिमाग से खेलते थे, सचिन दिमाग से खेलते थे, तो हर एक गेम में दिमाग लगाना ये ज़रूरत की बात है। सोच समझ कर खेलना चाहिए, सोच समझ कर राउंड पर डिसीजन लेने चाहिए, सोच कमर्स पर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ये सब आप करेंगे और इसके बारे में कब सोचेंगे? जब बहुत आप एक्टिव हो, बहुत एक के बाद एक टूर्नामेंट खेल रहे हो, तब तो ये नहीं हो सकता। ये कब होगा? ये अभी होगा जब आप घर में बैठना पड़ रहा है आपको। आप मेरी बात समझ रहे हो मुझे लगता है। तो मेंटल रिहर्सल कैसे करते हैं? मुझे प्रश्न भी आया है, उसके उत्तर मैं दे दूंगी दो मिनट में। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको मेंटल रिहर्सल का बताने चाहिए। आप शैडो प्रैक्टिस करते होंगे, आज आप घर में शैडो प्रैक्टिस आज भी की होगी, रोज भी करते होंगे। तो शैडो प्रैक्टिस तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एवरी प्लेयर के ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि शैडो प्रैक्टिस करो। अब ये शैडो प्रैक्टिस आप प्रत्यक्ष में करते हो, लेकिन वो लिमिटेड होती है। इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जब आप खेल नहीं पा रहे हो ग्राउंड पर, तो कौन सी प्रैक्टिस है? इसको कहते हैं मेंटल रिहर्सल, मेंटल प्रैक्टिस। तो ये मेंटल प्रैक्टिस करना ये सबसे बहुत ही बड़ी बात है। इसके बारे में भी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी, ये कैसे करते हैं इसके बारे में शायद हम और एक वेबिनार भी ले सकेंगे, या मैं इसके बारे में छोटा सा आर्टिकल स्पोर्ट्स बीट्स पर डाल दूँगी। लेकिन मेंटल प्रैक्टिस ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। विजुअलाइजेशन एंड मेंटल प्रैक्टिस अगर जो प्लेयर करना शुरू करता है, जो रेगुलरली प्रैक्टिस करता है, उसका गेम अगर आठ घंटे आप ग्राउंड पर प्रैक्टिस करो और एक घंटा मेंटल प्रैक्टिस करो, तो आपको होगा कि आठ घंटे से मैं शायद छः घंटे में ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही मेरी, क्योंकि मेंटल प्रैक्टिस से आपका गेम बहुत ही जल्दी और अच्छे तरह से इम्प्रूव होता है। तो मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई, मैं बता रही हूँ अभी। मैंने तीन चार चीज़ें आपको बताई। पहली चीज़ तो मैंने ये बताई थी कि रेस्ट पीरियड को पॉजिटिवली लेना चाहिए, ये आप बिल्कुल नहीं भूलना। रेस्ट पीरियड पॉजिटिव ले लो, और रेस्ट पीरियड का मेंटल स्किल के टेक्निक सीखने के लिए और यूज़ करने के लिए उसका उपयोग करो, तो आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा। और लॉकडाउन में मैंने तीन चीज़ें और बताई थी, उसमें ये बताया था आपको कि आप खुद के गेम के बारे में सीखना शुरू कर दो, सोचना शुरू कर दो, आपकी डायरी लिखो आपके कैसे लग रहा है, आपके गेम में क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। सो प्लीज़ राइट इट डाउन इन अ डायरी। उसके बाद बताया कोच को बताइए, यहाँ कोचेस भी होंगे वो भी मेरी बात सुनेंगे, कोचेस के साथ बहुत डिस्कशन होना ज़रूरी है, अच्छा कम्युनिकेशन रखो कोचेस के साथ, वही आपका गेम आगे लेके जाने वाले हैं। और तीसरी बात, आप चार चार पाँच पाँच प्लेयर्स आपके दोस्त मिलके आप ग्रुप बनाओ एंड डिस्कस योर गेम विथ योर ग्रुप। इसमें आपको मज़ा भी आएगा, सोशलाइजिंग भी होगा, और गेम इम्प्रूवमेंट में भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया था कि मेंटल रिहर्सल करना आपको बहुत ज़रूरी है। मेंटल रिहर्सल और विजुअलाइजेशन सीखना ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको सिर्फ अभी नहीं, ये तो जब तक आप गेम में खेल रहे हो, जब तक आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में हो,
उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटल रिहर्सल करते रहो। प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं, ग्रीश GRISH ग्रीष्मी दलवी, हाउ कैन आई रिड्यूस फियर फ्रॉम प्लेयर्स बिफोर द मैच और विद इन द मैच। ओके, तो इसी के बारे में मुझे और एक प्रश्न आया है। और ये जो प्रश्न है आपने पूछा फियर के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वो एक अजिंक्य ने भी मुझे पूछा है और प्ले स्विमर में भी पूछा है और कोच ने भी पूछा है कि ये जो फियर आती है प्लेयर्स में, ये फियर कैसे कम की जाए। तो उसके लिए रिलैक्सेशन ये बहुत ही बड़ा अस्त्र है आप मान लो, और विजुअलाइजेशन के एक दो टेक्निक्स है वो वहाँ यूज़ करने चाहिए जिसके इनके फियर्स कम हो जाएंगे। मिस्टर अजिंक्य, शायद आप भी सुन रहे हो मेरी बात, कि आप खेल में जाने से पहले आप भूल जाते हो कि आपने क्या प्लान किया था। तो इसके लिए भी साइकोलॉजी के टेक्निक्स है। आप अगर मुझे मेल भेजेंगे, स्पोर्ट्स बीट पर मेल भेजिए, मैं इसका सविस्तर आपको उत्तर दे दूंगी। और ग्रीष्मी दल भी, आपको भी मैं वही कह रही हूँ कि प्लीज़ सेंड मी अ मेल, ये फियर कैसी कम की जाती है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। अगला प्रश्न आ रहा है कशिश मलिक से, हाउ कैन वी ओवरकम डाउट्स। हाँ, तो इसीलिए कोच के साथ बात करना ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हो और भी अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास इतने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है नहीं कि आप कहाँ रहते हो वहाँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होंगे या नहीं, ये मुझे पता नहीं। आप मेल के साथ मेरे साथ टच में रहोगे, फ़ोन पर भी बात हो सकती है। लेकिन डाउट्स हर एक प्लेयर के पास होते हैं कि क्या मैं सच्ची अच्छा खेलता हूँ, क्या मैं ठीक खेलती हूँ, तो मैं क्या करूँ, ये डाउट्स के लिए भी टेक्निक्स है। आई थिंक फियर और ब्लैंक होना ये दो प्रश्न हैं। उसके लिए मैं प्लीज़ मुझे मेल भेजिए, मैं अभी ऐसे डिटेल में ऐसे नहीं बता सकती क्योंकि इतना वक्त हमारे पास एक तो नहीं है, और ये टेक्निक सिखाना पड़ेगा। ये जो ब्लैंक होने के लिए या फियर के लिए जो टेक्निक है वो सिर्फ मेरे बताने से ऐसे नहीं होगा, शायद फ़ोन पर बात करके या मेल पर बात करके हम ये करेंगे। आयुषी ने आपको स्पोर्ट्स बिट्स इंडिया का मेल भेजा है अभी, प्लीज़ आप लिख लेना sportsbitsindia@gmail.com, उस पर आप आपके प्रश्न कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपको उत्तर दे दूँगी। और इसके बारे में मुझे लगता है ये प्रश्न बहुत लोगों के पास है, तो शायद अगले हफ्ते एक वेबिनार हम इस पर भी ले सकते हैं कि डाउट्स के लिए क्या किया जाए और फियर के लिए क्या किया जाए। आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको ये वेबिनार कैसे लगा ये आप मुझे बताइए, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था कि मैं इतने सारे लोगों के साथ बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताना कि अगर अच्छा लगा है तो हम और वेबिनार लेंगे, अगली बार मेरा भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेंगे। सो इज़ दैट फाइन, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि आधा घंटा हुआ है, तो आई थिंक वी कैन स्टॉप नाउ, इज़ दैट ओके। आधा घंटा मुझे लगता है काफ़ी हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर थम्स अप, थैंक यू उचिहा वीरेंद्र, थैंक यू वेरी मच, ग्रीष्मी दलवी थैंक यू, आदित्य अंबर, अथर्व आगाशे, यस आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर हियर, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम राइट विथ मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन। ये बात तो मैंने सिर्फ अभी के लिए बोला है, आप अगली बार हम और डिटेल में जाना शुरू कर देंगे।
इज दैट राइट? ओके गाइज, बाय बाय बाय. रिकॉर्ड करें.